हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जाने वाले हैं एक प्लेस में, और ये बेसिकली नॉर्थ गुवाहाटी साइड है, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। तो फिर वहाँ पे कुछ कुछ है प्लेसेस देखने के लिए, बट वी आर नॉट श्योर वो आज ओपन होगा कि नहीं होगा। बट स्टिल हम लोग सोचा कि वो ओपन नहीं भी होता है तो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा। और बाहर काफ़ी सनी डे है, और अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, और सोचा कि जल्दी जल्दी रेडी होके फिर जाके आते हैं। और पूरे दिन मैं आप लोग को ट्राई करूँगी दिखाने के लिए वहाँ का प्लेसेस। तो फिर लेट्स गो। तो प्लेस के बारे में अभी हम लोग को बताएगा पार्था। तो कौन से प्लेस में जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गुवाहाटी। सो ये हम लोग जाने के लिए हम लोग को ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। सो ब्रिज है वहाँ पे, एक सरायघाट ब्रिज बोलते हैं, बहुत फेमस है। सो उसका एक हिस्ट्री भी है। हम लोग जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि वो ब्रिज किस लिए फेमस है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज हम लोग दो जगह जा रहे हैं, एक है टेम्पल और एक है आपका दरगाह। सो देखते हैं अगर वहाँ पे ओपन है कि नहीं, तो वहाँ पे जाके आपको बताएंगे कि क्या मिलता है। ओके, सो ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग चलते हैं। Light me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. So guys, finally we have reached Sarayghat Bridge, and the history of Sarayghat Bridge was there was a battle between Mughal Empire and Ahom Kingdom. Basically, Ahom Kingdom is the dynasty who ruled Assam over 600 years, and in that battle, Ahom Kingdom won the battle in the year of 1671. सो अभी हम लोग पहुँच गए सरायघाट ब्रिज। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, और ये जो ब्रिज पे हम लोग है ये ओल्ड ब्रिज है, और दूसरे साइड में जो ये दिख रहा है ये न्यू सरायघाट ब्रिज है। और ये सरायघाट ब्रिज का एक स्पेशलिटी ये है कि ये ब्रिज के नीचे साइड में ट्रेन जाते हैं और ऊपर के साइड में व्हीकल, तो दोनों साइड दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दिया। So guys, this is the full view of the bridge. I want to talk, a dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is falling dust. You look into my eyes, together feel so well. Yeah, the moon is falling dust. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fall into my love. Light me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. And nothing got it feel like a sweet night. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is falling.
beautiful, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me, you already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and felt love really. Then nothing got a dream like a clear night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's lonely, oh yeah. The moon is full on dust. You look into my eyes, together feel so high. To make a break the twilight, my only, my bestie. गाइज़ अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और ये जगह का नाम है पुआ मक्का और ये एक बहुत ही फेमस प्लेस है गुवाहाटी में और ये जगह का नाम पुआ मक्का इसीलिए है क्योंकि सऊदी अरब में जो मक्का है वहाँ से एक पाव मिट्टी यहाँ पे लाया गया था और उसके बाद ही ये दरगाह बनाया गया और ये एक होली प्लेसेस में एक बहुत ही फेमस प्लेस माना जाता है और यहाँ पे एवरी टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और अभी का जो सिचुएशन है जिसके लिए ये बंद था अभी उन लोगों ने बताया कि ये अभी कुछ दिन पहले से ही ओपन हुआ है तो अभी आज हम लोग आए बट यहाँ पे ज़्यादा क्राउड बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। अभी हम लोग अंदर चलते हैं यहाँ पे दुआ कर लेते हैं और मुझे आइडिया नहीं है अंदर वीडियो अलाउ है कि नहीं है, मैं एक बार पूछ के परमिशन ले लेती हूँ, अगर अलाउ है तो मैं अंदर का भी वीडियो लेने का ट्राई करती हूँ। तो गाइज अभी हम लोगों का दुआ करके हो गया है और हम लोग अभी नीचे भी आ गए और यहाँ पे एक बार मैं सराउंडिंग व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। गाइज ये देखिए व्यू काफ़ी अच्छा है, ये एक्चुअली माउंटेन के ऊपर ही है। रोड्स बहुत बहुत कंजेस्टेड था, एक्चुअली हम लोग डर रहे थे कि दो गाड़ी आ गए तो सामने से कैसे क्रॉस करेंगे क्योंकि रोड्स बहुत नैरो था और क्योंकि साइड में फुल लाइक डाउन था क्योंकि ये आप देख सकते हैं कंप्लीट डाउन था और साइड में फुल रॉक था जिसके लिए हम लोग डर रहे थे कि कोई सामने से गाड़ी आ गया तो फिर कैसे क्रॉस करेंगे। बट जैसे कि यहाँ पे बंद था, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है तो ऑलमोस्ट लाइक एंड ऑफ सितंबर ही ओपन हुआ है अभी इन लोगों ने बोला, तो इतना अभी लोग आ नहीं रहे जिसके लिए गाड़ी का भी इतना इशू नहीं हुआ तो फिर आ गए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम अभी शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद ही है, एक दो शॉप्स खुला था जो हम लोग कैंडल लेके गए थे और कुछ लेके गए। सो लेट्स गो गाइज, अभी वापस चलते हैं और वापस चलने के टाइम पे भी मैं थोड़ा सा रोड और भी दिखाने का ट्राई करूँगी।
गाइस, अभी हम लोग ऑलमोस्ट नीचे मेन रोड पे आ गए हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और एक प्लेस में हम लोग जाने वाले हैं और भी वो प्लेस का वीडियो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तो आप लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे। इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पार्ट टू करके व्लॉग अपलोड करूँ सेम डे का। सो आई होप गाइस आप लोग पार्ट टू का भी व्लॉग देखेंगे। सो गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।